तो गाइस एक महीने के इंतजार के बाद बरूटो की मांगा का नया चैप्टर आ चुका है, चैप्टर नंबर 80। और इस चैप्टर के अंदर इतनी सारी माइंड ब्लोइंग चीजें हुई ना, मैं तुमको बता नहीं सकता। मतलब इतना ज्यादा इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, जैसे कि सारादा का मांगेकयो शारिंगन अनलॉक हो गया, और उसके ऊपर से बोरूटो की स्टोरी में भी इतना ज़्यादा चेंज आ चुका है ना कि आगे जाके बोरूटो का जब टाइम स्किप होगा ना तो इसकी स्टोरी नेक्स्ट लेवल होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए तुम लोगों को मैं बताता हूँ इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हुआ। तो ये चैप्टर भी वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ से चैप्टर नंबर 79 खत्म होता है, जब सारे ही कोन्हा विलेज के लोग बोरूटो के पीछे पड़े हुए। और इस चैप्टर की शुरुआत के अंदर ही है ना हमें एडा और कवाकी दिखाए गए, जहाँ पे वो शिकमारू के साथ में खड़े, और शिकमारू है उन लोगों से सवाल पूछता है, स्पेशली वो एडा से ये सवाल पूछता है क्या सच में नारुतो मर चुका है। लेकिन वहां पे एडा है ना कुछ बोलना चाह रही होती है, बट वहां पे कवाकी एडा का कॉलर पकड़ लेता है और उसके वजह से है ना एडा को रोक देता है। वहां पे वो एडा को फोर्स करता है कि वो शिकमारू को बताए कि नारुतो सच में मर चुका है, और उसके वजह से है ना एडा काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसने कवाकी को ऐसे पहले कभी नहीं देखा। वो इतना ज्यादा जिस कवाकी को सोचती थी ना कि बहुत ज्यादा अच्छा है वो, लेकिन उसने अपना असली चेहरा दिखाई दिया और उसको चल गया ये कवाकी भी कुछ कम नहीं है। मतलब तुम एडा के फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे ना वो एकदम से चौंक चुकी है जब कवाकी ने उसका कॉलर पकड़ा। भाई मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पे आज के बाद सब कुछ चेंज होने वाला है। जैसा अभी तक हम एडा को देख रहे थे कि वो कवाकी को देख के बहुत ज्यादा खुश होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है आगे जाके वैसा बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि सारदा को ये पता चल चुका है कि नारुतो मर चुका है, उसके वजह से वो शॉक में आ जाती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। और वहीं पे हम एक तरफ ये देखते हैं कि मित्सुकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है बोरूटो के ऊपर, वो बोरूटो को किसी भी तरीके से मारना चाहता है क्योंकि उसने नारुतो को मार दिया है। अब यहीं पे फिर कवाकी को दिखाया जाता है, कवाकी बोलता है कि अब पूरे कोन्हा विलेज के लोग बोरूटो के पीछे और इसके वजह से मैं बोरूटो को काफी ज्यादा आराम से मार सकता हूँ। और वहीं पे उसी के साइड में एडा खड़ी होती है और एडा का रिएक्शन इतना ज्यादा हैरान होता है, मतलब वो देख के चौंक चुकी होती है, जिस कवाकी को मैं अभी तक जानती थी ये तो भाई नहीं, नहीं। फिर वहां पे डायमोंड भी आ जाता है और फिर एडा कवाकी से ये सवाल पूछती है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो, तुम इतना आगे बढ़ चुके हो, क्या तुम्हें जरूरत है इन सब चीजों की। तो वहां पे कवाकी जवाब देता है कि मैं लॉर्ड सेवन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना मैं उन सबको मार दूंगा भले ही वो तुम भी क्यों ना हो। और वहां पे फिर एडा ये सुन के जवाब देती है कवाकी को कि कोशिश करके देख लेना। आई मीन मतलब यार आगे जाके है ना काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीजें होने वाली है, मैं तो अगले चैप्टर के लिए ना अभी से एक्साइटेड हूँ। और वहीं पे हम एक तरफ देखते हैं कि बोरूटो टीम 10 से लड़ रहा है, उस टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, शिकमारू का बेटा, जितने भी रॉकली का बेटा, सबसे लड़ रहा है। आई मीन यार कितना ज्यादा यहाँ पे बोरूटो को अकेला दिखाया हुआ कि बोरूटो के वर्सेस में पूरा विलेज खड़ा हुआ और बोरूटो उन सबसे अकेला मुकाबला कर रहा है। और फिर उसी के साथ नेक्स्ट पेज में वो होता है जिसके लिए इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई है और इसने सबको सरप्राइज करके रख दिया। वहां पे सास के सारदा को ढूंढते हुए आता है और सास के सारदा से मिलता है। वहां पे सास के सारदा को बताता है कि बोरूटो ने नारुतो को मार दिया है, लेकिन वहां पे रोते हुए सारदा सासके को ये बताती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बोरूटो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और ये बात सुनकर है ना सासके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी भी मेमोरीज एडा की पावर्स की वजह से चेंज हो चुकी है और उसको ये बात पता नहीं है। उसको तो लग रहा है उसकी बेटी सिर्फ एक धोखेबाज का साथ दे रही है, लेकिन यहाँ पे सारदा किसी भी तरीके से सासके को कन्विंस कर दिया है कि वो बोरूटो को बचाए और उसकी मदद करे इस विलेज से बाहर जाने के लिए। बट वहां पे सासके मना कर देता है सारदा को, लेकिन वहां पे सारदा इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके इमोशनल ब्रेकडाउन के वजह से यार वहां पे वो इतना ज्यादा उसको बुरा लगता है, उसके वजह से उसका मांगे के शारिंगन अलग होता है। आई मीन भाई कमाल ही कर दिया किशिमोटो ने, जो चीज हमने सोची भी नहीं थी ना आज तक वो हमें करके दिखा दिया। आज तक हमने मांगेकयो शारिंगन के जितने भी अवेकन देखे हैं ना वो सभी मांगेकयो शारिंगन के डेथ से अवेक हुए। पहली बार यहाँ पे सिर्फ प्योर इमोशंस के वजह से मांगेकयो शारिंगन अवेक हुआ है, वो भी सारदा का, सबसे पहली बार। और यह ना काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाली चीज है क्योंकि हमें आज तक यही लगा था कि सासके या फिर साकुरा के मरने के बाद या फिर कोई विलेज में फ्रेंड के मरने के बाद क्या पता सारदा इस मांगेकयो शारिंगन को अचीव करे, बट यहाँ पे उसने यार सिर्फ अपने इमोशंस के साथ ही इसको अनलॉक कर लिया। और ये चीज़ देख के है ना सासके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सासके ने आज तक पहली बार किसी को इमोशंस के साथ मांगेकयो शारिंगन अनलॉक करते हुए देखा था। और ये देख के सासके कन्फर्म हो चुका था कि यहाँ पे सारदा बिल्कुल भी उससे झूठ नहीं बोल रही है, वो कुछ भी करेगी लेकिन उससे वो झूठ नहीं बोलेगी। तो वो ये सोच के है ना बिना सोचे समझे वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है। और फिर उसी के बाद वहाँ पे क्लास रैप सुमेरे आती है और सुमेरे वहाँ पे बताती है
दिया है सारदा को कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हुई है ना ये एडा की पावर्स की वजह से हुई है। नारुतो मरा नहीं है, नारुतो अभी भी जिंदा है, कवाकी ने उसको बस कहीं पे छुपा दिया या फिर उसको पकड़ के रखा है और इसी वजह से सबको ये लग रहा है एडा की पावर्स की वजह से कि बोरुटो ने नारुतो को मार दिया है। और मैं यहाँ पे नारुतो के फैंस को है ना एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज बता देता हूँ, अगर तुम लोग अब नारुतो का वेट कर रहे हो ना कि मांगा के अंदर नारुतो कब अपेयर होगा, तो मैं बता दूं अब भाई बोरुटो के खत्म होने तक है ना ये बोरुटो की मांगा जब तक खत्म नहीं होगी, इसका लास्ट चैप्टर नहीं आ जाएगा तब तक बोरुटो अपेयर नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कवाकी ने है ना ये ठान रखा है जब तक वो बोरुटो को अपने हाथों से नहीं मार देता वो लॉर्ड सेवन को छोड़ेगा नहीं, यानी कि नारुतो को, और उसके साथ हिनाटा को भी वो दूसरे डायमेंशन के अंदर पकड़ के रखेगा। और तुम्हें पता है वो बोरुटो को इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा क्योंकि हमने जो उसकी पास्ट वाली सबसे पहले एपिसोड के अंदर मेमोरी देखी थी जहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे थे, वहाँ पे कवाकी ने बोरुटो से ये चीज़ बोली थी कि मैं तुझे भी वहीं पहुँचा दूंगा जहाँ पे मैंने लॉर्ड सेवन को पहुँचाया। आई मीन अब यार सारी गाड़ियाँ ना एक ट्रैक पे चल रही है और पता चल रहा है कि जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ बिखर चुकी थी ना अब वो एक साथ आके है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी बना रही है। और मुझे भी नहीं लगता नारुतो इतनी आसानी से बाहर आ पाएगा क्योंकि अगर नारुतो को उस पोर्टल से उस डायमेंशन से बाहर आना है तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो कवाकी अपनी मर्जी से उस डायमेंशन को खोले और नारुतो और हिनाटा को बाहर लेके आए, या फिर बोरुतो कवाकी को मार दे और उसके मरने के वजह से वो डायमेंशन अपने आप खुल जाए तब जाके नारुतो और हिनाटा रिलीज हो। और मैं ये सच्ची बता रहा हूँ इन दोनों में से है ना कोई एक तो जरूर बनेगा, या फिर हिनाटा हो सकती है या फिर वो नारुतो हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन ये ऑफिशियली कोनोहा विलेज के अंदर डेड डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके वजह से आगे जाके जो फ्यूनरल होंगे ना कोनोहा विलेज के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन हम लोगों को पता है ना वो चीज़ें असली नहीं है, वो सब कुछ नकली है। और वो चीज़ देख के है ना बहुत ज़्यादा लोग सरप्राइज होने वाले हैं क्योंकि एक तरफ कोनोहा विलेज के लोग रो रहे हैं और वहीं पर कवाकी उस सब का जिम्मेदार होगा जो कोनोहा विलेज के अंदर आगे जाके होगा। और फिर वहीं अगले ही पैनल के अंदर वहाँ पे हम देखते हैं कि सास्के बोरुतो की तरफ बढ़ रहा है काफी तेजी से और फिर एकदम से है ना वो बोरुतो को लेके वहां से गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है और कोनोहा विलेज के एकदम एंड में चला जाता है जहां पे कोई भी उन्हें ढूंढ ना पाए। लेकिन वहां पे बोरुतो का ऐसा लगता है कि सास्के उसको मारने के लिए आया, बट वहां पे सास्के उसको बताता है कि वो उसको मारने के लिए नहीं आया, सारदा ने उसको भेजा है ताकि वो बोरुतो को बचाए। अब वहां पे बोरुतो ये चीज देख के ना थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर वहां पे सास्के ये बताता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करता पर मेरी बेटी ने बोला है कि मैं तुमको बचाऊं इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूं। और वहीं पे एक तरफ है ना एडा इन सब चीजों को दूर से देख रही होती है बट वहां पे वो अचानक से सास्के और बोरुतो के सामने आ जाती है और सास्के और बोरुतो है ना एडा को देख के हैरान हो जाते हैं वो किस लिए आई है, बट वहां पे वो है ना बोरुतो से माफी मांगती है कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, और वो बोरुतो से सॉरी बोलती है वहाँ पर। ये चीज़ देख करके है ना सास्के भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोरुतो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, बट वहाँ पे एक बंदा है जो इसको देख के है ना बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो है मोमोशिकी। मोमोशिकी यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्से में दिखाया गया ना, मोमोशिकी बोरुतो के अंदर बोरुतो के मन में ये बोरुतो को बोल रहा होता है बार बार कि लड़के अब तू हार चुका है, जो भी चीजें है ना मैंने तेरे को बोला था वो सच हो रही है और तेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। अब वो बोरुतो को इतना ज्यादा डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है ना, और वहां पे मोमोशिकी को ये लगता है कि बोरुतो ये सब सुन के है ना अपनी बॉडी है ना उसको हैंड ओवर कर देगा, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर वो वहां पे बोरुतो अपने हाथ में सास्के का हेडबैंड लेके रखता है और सास्के देखता है कि ये तो मेरा हेडबैंड है और सास्के वहां पे ये चीज कंफर्म कर देता है कि देखो मुझे अपनी मेमोरीज के ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये हेडबैंड मेरा है और मैं अपनी मर्जी से यह हेडबैंड किसी को दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को बहुत मेहनत के साथ ये हेडबैंड वापस किया है, तो ये हेडबैंड है ना मेरी लाइफ में है ना बहुत ज्यादा मायने रखता है और ये हेडबैंड तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। और फिर वहीं पे एडा ये कह सकती है कि तुम इस विलेज को छोड़ के जा सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर अब नजर नहीं रखूंगी, भले ही जबकि एडा उसको कहीं से भी देख सकती है उसकी आंखों की पावर्स की वजह से, बट एडा कहती है मैं तुम्हारे ऊपर नजर बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, तुम जा सकते हो, फुल्ली ट्रेन होके वापस आ सकते हो और तुम कवाकी को चैलेंज कर सकते हो जिससे तुम अपने पेरेंट्स को चढ़ा पाओगे। अब वहां पे क्लास रैप सुमिरे और सारदा दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो लोग बोरुतो और सास्के को जाते हुए देखते हैं विलेज छोड़ते हुए, और वहां पे बोरुतो जाते जाते ये बोलते हुए जाता है अपने लास्ट पैनल के अंदर, मैं इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा और एक दिन वापस आऊंगा, आज जो मुझसे सब कुछ छीन लिया गया है मैं एक दिन उसे रिगेन कर लूंगा क्योंकि मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी और हिनाटा का बेटा और मिनाटो का ग्रैंडसन बोरुतो उज़ुमाकी, यू शिटहेड्स। मतलब यहाँ पे यार बोरुतो ने
साफ साफ जो बोरूटो के हेटर्स है ना, जो बोरूटो को बहुत ज्यादा हेट करते हैं ना उसके एनिमे के वजह से, उन लोगों को यहाँ पे शेट हेड्स बोला है। मतलब यार उनके मुंह पे है ना सीधा सीधा बोरूटो ने बोल दिया है कि आगे टाइम स्किप के अंदर जो अगला नेक्स्ट हीरो होने वाला है ना वो मैं ही हूँ और मैं सब कुछ है ना चेंज करके रख दूंगा। और यहीं पे होता है चैप्टर खत्म। और सच में ये वाला चैप्टर सच में बहुत ज्यादा मजेदार था। इशिमोटो ने है ना जो सरप्राइज दिया मेरे को, बहुत मजा आया भाई ये चैप्टर पढ़ के। तुम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा या नहीं अभी तक मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा ना तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ करना शेयर और उनको कहना चैनल को करे सब्सक्राइब। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।